गुड आफ्टरनून राधे राधे जय श्री कृष्णा सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है मित्रों मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू सभी को ढेर सारा प्यार बहुत सारा आशीर्वाद दोस्तों एक बार जोरदार तरीके से सेशन को लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों के भी शेयर करना बनता है भाई साकेत आरती सतीश शुभ पंकज पवन लाडो जितेंद्र बहुत बहुत स्वागत है भाई रजनीश जानवी स्वागत है राम राम दुआ सलाम जय जय महाकाल हर हर महादेव सभी का स्वागत है तो चलिए शुरू किया जाए भाई दिव्या जानवी शुरू करते हैं भाई तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में क्या पढ़ने को मिलेगा पहले वो भी जान लीजिए तो आज के सेशन में जो आपको पढ़ने को मिलेगा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये क्या है दोस्तों गवर्नर गवर्नर जनरल और क्या मिलेगा पढ़ने को वायसराय क्या पढ़ने को मिलेगा वायसराय और आपको बता दे दोस्तों कि ये बड़ा खतरनाक टॉपिक है भाई बहुत खतरनाक टॉपिक है गवर्नर गवर्नर जनरल और वायसराय यह खतरनाक टॉपिक क्यों है पता है क्योंकि एक तो पहली बार तो बहुत लोगों को पढ़कर बड़ा बोरियत लगता है और दूसरी चीज यह है कि यादवाद होता नहीं है लेकिन जब हो वीके का जी का साथ तो फिर डरने की क्या ही बात चले भैया शुरू किया जाए भाई अभी हाँ हाँ तो ये रहा पहला सवाल हालांकि पहले ही सवाल का जवाब बहुत कम लोग सही दे पाएंगे लेकिन फिर भी मेरी नजर कमेंट बॉक्स की ओर है चले भाई केशव बताओ भैया हाँ, तो के कांग्रेस को किया गया था? अच्छा भाई सुब्बू क्या बात है एकदम बहुत बढ़िया शानदार फटाफट बताओ भैया प्रियम हाँ हाँ फॉर्म फिल कर दें। अरे बहुत सही हमसे ना पूछ रहे हो सब्बू से पूछ रहे हो सही है बस यही है देखो तो राइट आंसर अरे वाह क्या बात है भाई सुबु और पूनम इन दोनों लोगों ने और रंजीत बाबू ने भी आंसर एकदम सही दिया है क्या बात है भाई केशव लॉर्ड वेलिंगटन दोस्तों अब जरा ध्यान दीजिएगा कांग्रेस को प्रतिबंधित किसने किया वेलिंगटन एक बात यहां पर और बता दें क्या आप जानते हैं कि जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे है ना भाई जो दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था बहुत कम लोगों को याद रहता है दूसरा और तीसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन हुआ वो भी इसी के समय में हुआ था जी हाँ दोस्तों वो भी इसी के समय में हुआ था अब एक बात आपको बताएं देखिए दूसरा और तीसरा गोल में सम्मेलन जो वेलिंगटन के समय में हुआ है तो पहला वाला किसके समय में हुआ तो भैया पहला वाला जो गोल में सम्मेलन हुआ था वो हुआ था इरविन के समय में किसके समय में इरविन के समय में हुआ था और आप जानते हैं इरविन के समय में 1931 तो में हुआ था पहला वाला 1932 में सॉरी 1930 में पहला वाला 31 में दूसरा वाला और 1932 में तीसरा वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब गोलमेज सम्मेलन को याद करते हैं ना तो इरविन याद कर लेते हैं और उनको लगता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन इरविन के समय में हुए जबकि ऐसा नहीं है और वेलिंगटन ने वर्ष 1932 में कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों और बाकी आइए एक काम करते हैं पहले आपको एक डायग्राम के मामले में एक डायग्राम दिखा देते हैं एक आपको फ्लोरचार्ट बनाकर दिखा देते हैं जिससे आपके लिए यह सवाल आसान हो जाए ठीक है भैया वहा हाँ हाँ अच्छा भैया हाँ हाँ अच्छा भाई बाहर ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं अब आइए देखा जाए दोस्तों तो सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे कि भारत में शुरू में जो सबसे बड़ी पोस्ट थी जो अंग्रेजों ने ठीक है भाई यहां पर क्रिएट करी उसको कहते थे गवर्नर फिर आगे चलकर गवर्नर को क्या कहने लगे दोस्तों गवर्नर जनरल कहने लगे और आगे चल के फिर इसी गवर्नर जनरल को क्या कहने लगे वायसराय कहने लगे और वायसराय के बाद जब देश आजाद हुआ तो वापस से मामला किस पर आ गया गवर्नर जनरल पर आ गया पूरी बात सुनिएगा बहुत शानदार और यहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं जब गवर्नर वाला मामला था तो यह कहां तक सीमित था यह बंगाल तक सीमित था ठीक है भैया जब अंग्रेजों की हुकूमत केवल बंगाल तक थी जब अंग्रेजों की हुकूमत केवल बंगाल तक थी तो हम कहते थे गवर्नर और जब अंग्रेजों की हुकूमत धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई तब कहने लगे गवर्नर जनरल पहले बंगाल से थोड़ा बड़ा ना तो उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे और फिर उसके बाद इंडिया का मामला हो गया ठीक है भैया इंडिया का मामला हो गया इसी प्रकार से यह भी इंडिया का ही मामला है ठीक है लेकिन यह क्या है यह इंडिपेंडेंट इंडिया का मामला है किसका भैया इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब यह है कि स्वतंत्र भारत का ठीक है स्वतंत्र भारत का मामला है अब जरा पूरी बात को समझिएगा पूरी बात यह है कि बंगाल का गवर्नर भाई बंगाल का पहला गवर्नर कौन था है ना और इसी प्रकार से बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था समझ रहे हैं इसी प्रकार से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था समझ पा रहे हैं इसी प्रकार से भारत का पहला गवर्नर कौन था भारत का पहला गवर्नर कौन था और बंगाल भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था ठीक है अंतिम गवर्नर जनरल कौन था समझ पा रहे हैं इसी प्रकार से वायसराय भारत का पहला वायसराय कौन था और इसी प्रकार से भारत का अंतिम वायसराय कौन था इसी प्रकार से दोस्तों जब देश आजाद हुआ तो पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ आजादी के बाद और अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ आजादी के बाद ठीक है तो आप समझिएगा यह पूरी जानकारी होनी चाहिए और यहां से सवाल आप देखिएगा तो आपको मिलेंगे खूब मिलेंगे भर भर के मिलेंगे ठीक है इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है जानना समझना और याद रखना ठीक है भैया तो चलिए देखा जाए कि क्या याद करना है और कैसे याद करना है है ना भाई तो आइए देखा जाए दोस्तों जिसके पास जवाब हो एकदम कमेंट कर सकते हैं तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन तो पहला गवर्नर जनरल दोस्तों रॉब सॉरी पहला गवर्नर कौन रॉबर्ट क्लाइव कौन दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ठीक है अब क्या हुआ इसके बाद देखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हुआ बंगाल का गवर्नर जिस समय कौन था जिस समय बंगाल का गवर्नर वॉरन हेस्टिंग था कौन था जिस समय बंगाल का गवर्नर दोस्तों वॉरन हेस्टिंग था उसी समय एक कानून आता है उसी समय एक कानून आता है पूरी बात सुनिएगा उसी समय एक कानून आता है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट क्या नाम है रेगुलेटिंग एक्ट सत्रह तिहत्तर क्या नाम था रेगुलेटिंग एक्ट सत्रह सौ तिहत्तर ठीक है और रेगुलेटिंग एक्ट सत्रह सौ तिहत्तर क्या करता है कि बंगाल में गवर्नर के पद को खत्म करके क्या शुरू कर देता है गवर्नर जनरल तो इस प्रकार से बंगाल में जो गवर्नर होता है वो क्या कहलाने लगता है गवर्नर जनरल और पहला गवर्नर जनरल कौन होता है यही होता है दोस्तों कौन वॉरेन ही होता है कौन होता है ही होता है इसी प्रकार से दोस्तों जिस समय बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है कौन विलियम बेंटिक विलियम बेंटिक के समय में एक कानून आता है और उस कानून का नाम क्या है भैया तो उस कानून का नाम है दोस्तों क्या चार्टर एक्ट अठारह चार्टर एक्ट अठारह इसका नाम है दोस्तों तो तो जब ये कानून आता है 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 क्या होता है? पता है कि ये जो विलियम बेंटिक ये ये तो भारत का गवर्नर जनरल रहता है कौन कैनिंग तो कैनिं गवर्नर जनरल रहता है उस समय एक कानून आता है ठीक है उस समय भी एक कानून आता है और उस कानून का नाम क्या है भारत शासन अधिनियम कब आता है भाई अठारह में आता है दोस्तों ठीक है अठारह अट्ठावन में और जो कैनिंग होता है उसको भारत का गवर्नर जनरल कहने के बजाय भारत का क्या कहने लगते हैं वायसराय कहने लगते हैं क्या कहने लगते हैं वायसराय कहने लगते हैं तो यही कैनिंग क्या हो जाता है

चला जाता है तब किसे बनाया जाता है तब बनाया जाता है सी राजगोपाला चारी को सी राजगोपाला चारी को बनाया जाता है समझ पा रहे हैं चीजों को सी राज गोपालाचारी को बनाया जाता है ठीक है भैया और जब संविधान लागू होता है तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है कब समाप्त होता है तो भैया ये समाप्त होता है आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है और राष्ट्रपति का पद शुरू हो जाता है अच्छा तो अब आप जरा कमेंट करके बताएंगे कि क्या मजा आया शानदार है जबरदस्त है क्या वाकई में ये वीके का जी अंदाज है और आपको एकदम खोपड़िया में घुस रहा है काम आएगा मजा आया तो फिर दौड़ा दौड़ा कर लाइक ठोकेंगे ठीक है भैया हा हा भैया केशव आज चार्टर एक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं आज गवर्नर जनरल पढ़ा रहे हैं तुम्हारा चार्टर बताने लगेंगे तो गवर्नर जनरल रह जाएगा मजा आया तो भैया ठोकेंगे लाइक जबरदस्त तरीके से और एक बार शेयर करके जरूर आ जाइए और स्क्रीनशॉट लेना हो तो बिल्कुल ले लीजिए ताकि आगे चले नहीं तो आप कहेंगे गुरु जी स्क्रीन नहीं लेने देते हैं चले आगे चला जाए हा हा शानदार हाथ तो भैया विलियम बेंटिक को भी याद रखेंगे क्या रॉबर्ट ऑबर्ट नहीं है विलियम है ठीक है ठीक <laughs> है तो एकदम ठीक है विलियम बेंटिक वगैरह सब और बढ़िया सवाल है दोस्तों सबसे पहले सुमेलित है पूछा है तो क्या एलिन भरो के समय में अवध का विलय हुआ था अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था जान लो मतलब अगले दिन से बिल्कुल हल्का वाला क्वेश्चन लेकर आएंगे ठीक है तो फिर फटाफट आंसर दोगे हाँ मेहनत से पढ़ो मेहनत से पढ़ाए रहे तो पेपर निकले ऐसा क्वेश्चन है है ना केवल आपको पढ़ के मजा आए लगे वाह हमको पता है वाह 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 ऐसे वाला क्वेश्चन नहीं है ठीक है अठारह में जिस समय अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था दोस्तों वो था डलहौजी कौन था दोस्तों डलहौजी था ठीक है और देखिए सिंध का विलय जब हुआ 1844 में ब्रिटिश साम्राज्य में तो उस समय कौन गवर्नर जनरल था उस समय था दोस्तों एलिन बरो कौन था एलिन बरो था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था

भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अगर क्वेश्चन यहां से ना मिले हो तो कहिएगा चलिए किस गवर्नर जनरल किस सॉरी uh, किसे लॉर्ड कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया दोस्तों पुरातत्व विभाग की बात करें तो इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कहेंगे दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना और न्यू जो है अठारह में किसने रखी थी भैया अलेक्जेंडर कनिंगम ने ये जो अलेक्जेंडर कनिंगम देख रहे हैं ये क्या है दोस्तों ये अलेक्जेंडर कनिंगम इसके जनक हैं लेकिन जब हम कर्जन की बात करते हैं तो करजन ने किसे बनाया था सर जॉन मार्शल को सर जॉन मार्शल को शानदार भाई मोनी जी का आंसर एकदम सही आया है बाकी किसी का आंसर सही नहीं दिख रहा है जी हाँ एकदम शानदार भाई पंकज ठीक है भाई ठीक है ठीक है भाई सोबु देखे तो कुल मिलाकर यह चीज समझना है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके जनक एलेक्जेंडर कनिंगम है लेकिन जो भारतीय पुरातत्व विभाग था उसका जो महानिदेशक है जॉन मार्शल को करजन ने बनाया था ठीक है और यादव जी जरा ध्यान देना कि उस समय उस समय जिनके इन्हीं के समय में इन्हीं के समय में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इन्हीं के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज की थी ठीक है भाई चलिए आगे बढ़ा जाए देखे भाई में से किसे भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में देखा जाता है भैया भारतीय कृषि विभाग का पिता कौन बताइए फटाफट फ़ड़। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है शानदार क्वेश्चन है बिल्कुल बिल्कुल अब ये कुछ लोग जो लाइक वाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं ना इन्हीं को शास्त्रों में कंजूस कहा गया है <laughs> चलिए तो भैया कृषि विभाग दोस्तों कब स्थापित हुआ था पता है अठारह में स्थापित हुआ था कब 1872 में स्थापित हुआ था 1872 में ही याद करिए मेयो कॉलेज स्थापित हुआ था क्या स्थापित हुआ था मेयो कॉलेज स्थापित हुआ था कहां पर अजमेर में कहां पर दोस्तों अजमेर में और अठारह में ही क्या हुई थी दोस्तों भारत में पहली जनगणना हुई थी और क्या आप पढ़ते नहीं हैं अठारह सो में पहली जनगणना किसके समय में हुई मेयो के समय में हुई तो आंसर क्या हो गया भैया प्रियम हां भाई, हाँ भाई सब क्या हो गया तो भैया ये हो गया आपका मेयो समझ रहे हैं इस बात को तो एकदम याद रखेंगे इसमें अगर आप रिपन को देखें तो ये क्या है इसको भाई भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है दोस्तों इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिपन को और क्या कहा जाता है भारत का उद्धारक कहा जाता है क्या कहते हैं इनको इनको भारत का उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगल ने कहा था इसके अलावा इनको और क्या कहते हैं दोस्तों तो रिपन को कहा जाता है सबसे लोकप्रिय वायसराय क्या कहा जाता है सबसे लोकप्रिय वायसराय कहा जाता है अच्छा आप देखिएगा इसी प्रकार से और भी मैं आपको बता देता हूं जैसे एक सवाल पूछा जाता है क्या रेलवे का जनक अगर पूछा जाएगा तब तो आपको तुरंत ही बता देना है रेलवे का जनक पूछेगा तो क्या बताएंगे तो रेलवे का जनक पूछेगा तो आप बताएंगे डलहौजी जी क्या बताएंगे दोस्तों आप डलहौजी बताएंगे इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा क्या भाई सिविल सेवा का जनक याद करिए चाहे सिविल सेवा की बात हो और चाहे पुलिस सेवा की बात हो ठीक है भैया तो अगर इसका जनक पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे तो इन दोनों के ही जनक के मामले में आपका जवाब क्या होगा दोस्तों इन दोनों के ही मामले में आपका जवाब होगा कारन क्या होता है

कर्जन बताएंगे तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वीके का जीके अंदाज में है और एक ही स्क्रीन पर आपको इतने ढेर सारे कंटेंट दिख रहे हैं बस खोपड़िया में छापने की जिम्मेदारी आपकी और पेपरवा में छपाने की जिम्मेदारी हमारी ठीक है भैया हां हा वाह वाह तो भैया सोल्यूशन फॉर यू महोदय कह रहे हैं कि सर जी वाना थैंक यू टू एम क्लासेस टीम आई हैव क्रैक्ड एन चलिए भैया तो बहुत 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 शुभकामनाएं आपको अग्रिम भविष्य की उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका एन निकला एल्बर्ट बिल विवाद दोस्तों एल्बर्ट बिल विवाद की बात करें कौन बताएगा एल्बर्ट बिल विवाद क्या बात है भाई यादव जी युक्ति प्रकाश शानदार 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 नेक्स्ट टारगेट सीजियल है पेड बैच आएगा बिल्कुल आएगा बिल्कुल आएगा भैया बिल्कुल आएगा फिलहाल रात में यूट्यूब पर क्लास चल रही है उसका आनंद लीजिए नौ से बारह एल्बर्ट बिल दोस्तों आपको पता है जब आपको पता चलेगा ना कि ये इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये हुआ क्यों था तो आपको लगेगा वाह क्या काम किया था वाकई में रिपन ने और रिपन वाकई में भारत का उद्धारक कहे जाने योग्य है दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद में यह था कि भारतीय जजों को किसको दोस्तों भारतीय जजों को है ना भारतीय जजों को यूरोपीय जजों भारतीय जजों को यूरोपीय जजों के समकक्ष लाना यूरोपीय जजों के समकक्ष लाना तो याद रखेंगे भारतीय जजों को यूरोपीय जजों के समकक्ष लाना ठीक है अच्छा

और इनसे कहा गया कि भैया तुम क्या करने गए थे अपना भला करने गए थे कि भारतीयों का भला करने गए थे ठीक है भैया भैया हाँ। ये समझकर चलेंगे बाकी रिपन के समय में और क्या हुआ तो याद करिए अठारह सो इक्यासी में इन्हीं के समय में पहली रेगुलर सेंसस हुई थी हुई थी कि नहीं पहली रेगुलर सेंसस हुई थी हुई थी ना पहली रेगुलर सेंसस हुई थी दूसरी चीज अठारह सो इक्यासी में ही आप देखेंगे तो और क्या हुआ था अठारह सो इक्यासी में ही पहला कंपनी एक्ट आया था क्या आया था पहला कंपनी

आहा शानदार बयारती तो राइट आंसर क्या है कैनिंग एकदम क्या आंसर होगा कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय ये बताइए कि ब्रिटेन की महारानी कौन थी कौन बताएगा जी हां बताओ फटाफट तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और ब्रिटेन की महारानी कौन थी ये सवाल भी तो आता है है ना ब्रिटेन की महारानी कौन थी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था तो प्रधानमंत्री तो पामस्टन था हमने तो बताया था अब रानी भी बता दो तो जाने है ना भैया रानी भी बता दो तो रानी कौन थी भैया रानी विक्टोरिया थी ठीक है रानी विक्टोरिया थी क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अठारह की क्रांति के बाद जब क्रांति खत्म हुई तो क्या हुआ था विक्टोरिया घोषणा पत्र को जारी किया गया था जिसे भारत के शिक्षित मध्यम वर्गों ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा था कहा था कि नहीं कहा था ठीक है चलो हाँ भाई शानदार है भाई पवन शुभु अफसाना हाँ हाँ प्रयांश चलो भैया बताओ हाँ 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 चलो सहायक संधि पर हस्ताक्षर सबसे पहले साइन किसने किया था यह खतरनाक क्वेश्चन है और याद करिए जब जब हमने सहायक संधि बताया है तब तब हमने कहा है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया और अगर विकल्प में अगर विकल्प में अगर विकल्प में अवध दे रखा है तो यही आंसर होगा अगर विकल्प में अवध नहीं दे रखा है तब आपका आंसर होगा हैदराबाद ठीक है, है और ये बात समझना ये वो क्वेश्चन है जिसमें अच्छे अच्छे धुरंधर ढेर हो जाते हैं है ना अच्छे अच्छे धुरंधर ढेर हो जाते हैं और हमने अक्सर यह सब बात समझाई है क्यों समझाई है और पूरा डिटेल के साथ अब फिर सुनो क्या सुनो कि भाई देखिए अवध का नवाब कैसे आंसर होगा इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इलाहाबाद की संधि यह इलाहाबाद की जो संधि है ये कब हुई थी इलाहाबाद की जो संधि है यह 1765 में हुई थी कब हुई थी भाई इलाहाबाद की संधि यह हुई थी 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद तो बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी जो अवध के नवाब सुजाउद दौला और अंग्रेजों की ओर से है ना किसके बीच रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी तो इन दोनों के बीच यह समझौता हुआ देखिए इस समझौते में क्या तय हुआ इस समझौते में यह तय हुआ कि भाई अवध अवध में अवध में अंग्रेजी से अवध अवध सॉरी अवध की सुरक्षा कौन करेगा अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेज करेंगे अवध की सुरक्षा अंग्रेज करेंगे यह पहली बात तय हुई अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी हो गई अंग्रेजों की हो गई है ना और अंग्रेजों की हो गई इसका मतलब अवध की अपनी सेना तैनात हो खत्म हो गई अवध की अपनी सेना खत्म हो गई अवध में अंग्रेजी सेना तैनात हो गई अवध की सुरक्षा के लिए दूसरा कि अवध के जो विदेशी मामले हैं अवध के विदेशी मामले अंग्रेजों के पास चले गए अवध के विदेशी मामले भी किसके पास चले गए अंग्रेजों के पास चले गए पास चले और यही थी सहायक संधि तो जो वेलेजली के द्वारा सहायक संधि शुरू की गई थी वेलेजली की सहायक संधि को अपनाने वाला है ना वेलेजली की सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य हैदराबाद था ठीक है भैया वेले जली की सहायक संधि को अपनाने वाला तो कहने का मतलब कि वेले जली ने जो सहायक संधि शुरू की थी और यहां पर इलाहाबाद की संधि में जो सहायक जो समझौता हुआ था दोनों की शर्तें एक जैसी थी इसी वजह से ऐसा हम कह रहे हैं आप जरा ध्यान दीजिएगा वो जो अवध का विलय हुआ था डलहौजी के समय में अठारह में कुप्रशासन के आधार पर वो अलग है आइए एक ट्रिक बता देते हैं एक तो पहली बात ये याद रखना कि अगर ऐसा सवाल आता है और ऑप्शन में अवध दे रखा है तो अवध ही आंसर होगा अब आइए वेलेजली की सहायक संधि के ऊपर एक ट्रिक बता देते हैं हम तो आपसे भी सीधे हैं हम तो आपसे भी सीधे हैं इससे क्या याद होगा इससे यह याद होगा आपको कि वेलेजली की सहायक संधि को अपनाने वाले राज्यों का क्रम वेले जली की वेले जली की सहायक संधि को अपनाने वाले राज्यों का क्रम पता चलेगा तो हा से क्या हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा हा से हैदराबाद हो जाएगा से क्या हो जाएगा दोस्तों मैसूर हो जाएगा त से क्या हो जाएगा तंजौर हो जाएगा आ से क्या हो जाएगा अवध हो जाएगा प और को क्या हो जाएगा मिलाकर पेशवा हो जाएगा भ से क्या हो जाएगा भोसले हो जाएगा जी हाँ सा सीधे से क्या हो जाएगा सिंधिया हो जाएगा क्या हो जाएगा सिंधिया हो जाएगा समझ पा रहे हैं तो ये है दोस्तों क्या एकदम बीके का जीके अंदाज जबरदस्त शानदार धमाकेदार जिंदाबाद ठीक है भैया तो ये सहायक संधि अपनाने वाले राज्यों का क्रम है ठीक है भाई हाँ तो जैसे पूछता है ना चार ऑप्शन देकर कहता है कि निम्नलिखित राज्यों को उनके द्वारा सहायक संधि अपनाने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें तो सबसे पहले और मान लीजिए पूछ लिया कि सहायक संधि को सबसे पहले किसने अपनाया हैदराबाद ने सबसे बाद में सिंधिया ने ठीक है ये सीक्वेंस है ठीक तो आप ऐसे याद कर सकते हैं चलिए सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे पहला गवर्नर जनरल बनाया था तो किससे पहला गवर्नर जनरल बनाया था दोस्तों अब जरा ध्यान देना कि पहला गवर्नर जनरल और याद करो हमने आपको जो लिस्ट अभी बताई थी जो हमने आपको एक डायग्राम यहां समझाया था उसी से निकाल के बता लो देखो और ये सवाल पूछा गया है कि भाई बंगाल का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भारत का पहला गवर्नर जनरल सब पूरा का पूरा, पूरा लिस्ट यहां पर दिया हुआ है तो जो लोगों ने इसको नहीं देखा है इस वाले पेज को देख लेना और ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया वॉरन हेस्टिंग एकदम सही जवाब है भैया दीपक प्रीति कल्पना रजनीश प्रियम शानदार भाई चंदन चले आगे बढ़ा जाए सवाल है दोस्तों कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था अच्छा आप जरा ध्यान दीजिएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरन एस्टिंग कहा का पहला गवर्नर जनरल था ये तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था ठीक है भैया ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था ठीक है और ये जो कैनिंग है कैनिंग कौन था भैया कैनिंग तो जो है पहला वायसराय था यह क्या था पहला वायसराय था पहला वायसराय था तो भैया इसका आंसर क्या हो गया विलियम बेंटिक अच्छा एक बात बताओ

चलिए लॉर्ड कार्वालिश इसका मकबरा कहां है भाई तो दोस्तों आपको बता दें कि कौन कौन से देखिए अगर हम अंग्रेजों की बात करें अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो दो ब्रिटिशर्स ऐसे हैं जिनका मकबरा भारत में है ठीक है एक तो आपके कार्नवालिस साहब हैं और दूसरे कौन है पता है दूसरे हैं मेयो कौन है दूसरे दूसरे हैं मेयो ठीक है इसी प्रकार से दोस्तों आपको बता दें कि अगर हम बात करते हैं पुर्तगालियों की किसकी बात करते हैं पुर्तगालियों की बात करते हो तो पुर्तगालियों में भी ऐसा ही है पुर्तगालियों की भी बात करें तो उसमें भी ऐसा ही है कि पुर्तगालियों में एक तो आपका जो वास्को डिगामा है इसकी भी समाधि भारत में ही है जी हां बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी समाधि भारत में है ठीक है और दूसरा किसकी समाधि है अल्बुकर्क जो कि पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसकी भी समाधि कहां पर है इसकी भी समाधि दोस्तों भारत में ही है ठीक है तो भैया कहां कहां पर है आइए जान लेते हैं और यहां से सवाल पूछे जाते हैं ठीक है भैया तो देखिए गाजीपुर ये लोगों को पता होगा ठीक है? मेयो का अजमेर ये कुछ लोगों को पता होगा ठीक है और वास्कोडिगामा का गोवा सॉरी कोचिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा ठीक है और अल्बुकर्क शायद ही किसी को पता हो है ना भाई गोवा ठीक है कहां पर गोवा है कि नहीं तो भैया जब पढ़ रहे वीके का जीके अंदाज फिर डरने की ही बात है। बस पढ़ते जाइए और पेपरवाक पेपर वर्क खोपड़िया के लिए तैयार रहिए है ना भाई दीपक शुभु आनंद आरती हाँ। भारत में सिविल सर्विसेस का पिता किसे कहा जाता है अब देखो एक बात समझना एक होता है सिविल सेवा का जनक और एक होता है प्रशासनिक सेवाओं का जनक क्या प्रशासनिक सेवाओं का जनक और इसमें भी एक लॉजिकल बात समझिएगा या यूं कह लीजिए कि एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा क्या इंपॉर्टेंट बात आपको यहां समझनी है यह भी जरा ध्यान दीजिएगा क्या प्रशासनिक सेवाओं का जनक अगर मान लीजिए है ना बिल्कुल सही बता रहे हैं सभी लोग भाई एक तरफ से भाई स्टडी आरती प्रियम हाँ भाई वॉरियर हाँ भाई राम एकदम जबरदस्त तो राइट आंसर तो इसका कारण वाली सही होगा इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए चाहे आपसे सिविल सर्विसेज का पिता कहे या आपसे पुलिस सेवा का जनक, पुलिस सर्विसेज का ठीक है पुलिस सेवा का जनक कहेगा तब भी यही आंसर होगा ध्यान से समझे सिविल सेवा का जनक भी यही होगा पुलिस सेवा का जनक भी यही होगा लेकिन मान लीजिए आपसे प्रशासनिक सेवा का जनक पूछे तब क्या बताएंगे तो इसके दो आंसर हो सकते हैं अगर ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया है तो फिर यही आंसर होगा इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन अगर वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन में ना दिया हो तो इसका भी आंसर क्या होगा कार्नवाली सी होगा इस बात का ध्यान रखना इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ऐसा सवाल आएगा विकल्प में पटेल जी हैं तो पटेल जी ही आंसर होंगे पटेल जी नहीं है तो कार्न से आंसर होंगे ठीक है भैया हाँ भाई राम एकदम सही कहा भाई नरेश चलो ठीक है बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ आइए दोस्तों आपको द्वैध शासन पर पूरी बात बता देते हैं बहुत शानदार क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई रामचंद्र क्या बता रहे हो मुझे पीजीटी तैयारी करनी है कौन सा सब्जेक्ट है भाई रामचंद्र बताओ भैया तो बढ़िया सवाल है और सही आंसर क्या है इसका इसका सही आंसर है बी आइए जरा इसके बारे में पूरी बात बताते हैं आपको मजा आ जाएगा पूरी बात सुनिएगा सबसे पहले तो यह है दोस्तों कि द्वैध शासन की अगर हम बात करते हैं ना तो द्वैद शासन को हम दोहरा शासन भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं दोहरा शासन भी कह सकते हैं ठीक है अगली बात यह है कि इसका जनक कौन है तो द्वैध शासन के जनक कौन है या फादर कौन है तो दोस्तों द्वैध शासन के जनक कौन है लियोनिल कार्टिस यह सवाल भी पूछा गया है लियोनिल कार्टिस और द्वैद शासन का मतलब होता है दोहरा शासन आप समझ गए होंगे हालांकि समझ से क्वेश्चन आता नहीं इस समय ठीक है सीधा सीधा तथ्यों से ही क्वेश्चन आते हैं मामला यह है कि देखिए द्वैध शासन बंगाल में भी चला था ठीक है द्वैध शासन आगे चलकर आप देखेंगे तो प्रांतों में भी चला है और द्वैध शासन आगे चलकर आप देखेंगे तो केंद्र में भी चला है तो सवाल आते ही हैं ठीक है देखिए होता क्या है कि यहां से सवाल आता है कि शुरू कब हुआ यह भी पूछा जाता है और समाप्त कब हुआ यह भी पूछा जाता है यहां के मामले में केवल शुरुआत पूछी जाती है और यहां के मामले में भी केवल शुरुआत ही पूछी जाती है ठीक है भैया तो आपको याद करना तो पड़ेगा ठीक है देखिए शुरू यहां पर हुआ था कब सत्रह में सत्रह में क्यों भाई क्योंकि सत्रह में इलाहाबाद की संधि हुई अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए इसीलिए किसने शुरू किया था क्लाइव ने स्टार्ट किया था किसने क्लाइव ने स्टार्ट किया था और इसी वजह से हम क्या कहते हैं क्लाइव को क्लाइव को क्या कहा जाता है इसी वजह से क्लाइव को बंगाल में द्वैध शासन का जनक कहा जाता है क्या कहते हैं बंगाल में द्वैद शासन का जनक कहा जाता है द्वैध शासन का जनक ठीक है बंगाल में द्वैध शासन का जनक कहा जाता है ठीक अच्छा अब इसके बाद देखिए अगर हम समाप्त की बात करें तो सत्रह में समाप्त हुआ किसने समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग ने ये सवा, अच्छा बंगाल के मामले में ये दोनों ही सवाल पूछे जाते हैं कि, कि किसने शुरू किया और किसने खत्म किया कब कब लेकिन यहां के मामले में किसने शुरू किया ये कभी नहीं पूछा जाता 1919 में शुरू हुआ यहां पर और 1935 में शुरू हुआ यहां पर ठीक है बहुत सिंपल सी बात है ठीक बहुत सिंपल सी बात है ठीक है तो एकदम वीके का जी अंदाज में है भैया पढ़ डालो ठीक है लियोनिल कार्टिस की एक बुक भी थी जिसका नाम था डायर की हा 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 देखिए अब एक बात और है वो कहते हैं ना कि जब है ना अब पछतावे का होवत है जो जागत है सो पावत है जो सोवत है सो खोवत है तो अगर आपको जीवन में कुछ हासिल करना है कुछ बनना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा और सबसे जरूरी चीज जागते रहना पड़ेगा है हाँ? चले बंगाल में द्वैध सरकार की स्थापना किसने की थी तो बताए ही अभी कि भैया किसने की थी क्लाइव ने की थी हेस्टिंग ने खत्म की थी बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध सरकार को समाप्त किसने किया था देखो ये सब ये आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं ये क्वेश्चन पूछे गए ठीक है भैया हाँ ये क्वेश्चन पूछे गए भाई वॉरियर भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी अब इस क्वेश्चन का आंसर जो नहीं दे पाएगा समझ लो एकदम आज धुआं धुआं हो जाएगा भैया आ, बिल्कुल क्यों क्योंकि यह सवाल हमने कल ही बताया था याद करो हमने कहा था कि उच्च शिक्षा की बात हो चाहे उच्च शिक्षा की बात हो और चाहे स्त्री शिक्षा की बात हो ठीक है इन दोनों पर फोकस था कौन इन दोनों पर ही फोकस था वुड डिस्पैच में किसमें वुड डिस्पैच में इन दोनों पर ही फोकस था ठीक है और इसीलिए वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का कार्टा कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है समझ पा रहे हैं तो बस ये किसके समय में आया था डलहोजी के समय में आया था समझ रहे हैं तो थोड़ा समझ के भी चलना है हर क्वेश्चन एकदम नाक की सीध में आंसर नहीं निकाल पाता है ठीक है भैया प्रीति हाँ भाई प्रियम शानदार शुभ हा हा हर एक फ्रेंड कमीना होता है अच्छा ये किसने कहा भाई <laughs> ठीक <laughs> <दे रही। laughs> है तो ठीक है जो कमीना हो उसका नाम काम कामिनी रख दो बात ही खत्म चलो गोद प्रधान निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया लो भैया गोद प्रधान निषेध सिद्धांत भैया हिस्ट्री की तैयारी अच्छा भैया रामचंद्र अब दोस्त पढ़ना तो डीप में पड़ेगा हिस्ट्री ठीक है हाँ हमारी तरफ से थोड़ी मदद मिल सकती है कि जब फाउंडेशन बैच आएगा जीके जीएस का तो उसमें हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहां से पढ़ लेना आपका 60 से 70 प्रतिशत सिलेबस कवर हो जाएगा ठीक है हाँ लेकिन बाकी तो आपको पढ़ना पड़ेगा तो भैया राइट आंसर क्या है सिर्फ हिंदू राज्यों पर अब जरा एक चीज का ध्यान दो ये गोद प्रधान निषेध का सिद्धांत तो कौन ले आया था डलहौजी ले आया था ठीक है डलौजी ले आया था और डलहौजी की इस नीति को राज्य हड़प की नीति भी कहते हैं राज्य हड़प की नीति कहते हैं और राज्य हड़प की नीति के साथ साथ इसको हम और क्या कहते हैं जरा याद करो तो कई बार ये लाइन हिंदी में भी लिखकर आ जाती है और ये लिखकर ऐसे नहीं आता ऐसे लिखकर आता है कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या लिखकर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिखकर आता है तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि डॉक्टर ऑफ लैप्स लिखकर आता है राज्य अब देखिए डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसको याद करने के लिए हमने तरीका भी बताया है क्या याद करिए क्या बताया था सीता जी संभलो जी संभलो बाघ उधर झाड़ी ने सीता जी संभलो बाघ उधर झाड़ी ने अवध की यही तो कहा था और इस ट्रिक से आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा तो सीता जी उधर झाड़ी ने अवध की ठीक है भाई हाँ, हाँ अच्छा भैया प्रकाश रात में ही लेंगे पहले बता देते हैं एसएससी एस सीजियल वाली क्लास रात में चलेगी नौ बजे डेली चलिए सीता से क्या हो जाएगा सतारा तो हड़पा गया पहला राज्य सतारा था कई बार क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये कि द्वारा हड़पा गया पहला राज्य और अंतिम राज्य कौन सा था अवध था ठीक है तो है ये एक तो आता सौ छप्पन में हड़पा गया था ठीक है जी से क्या हो जाता है तो जी से हो जाता है जैतपुर यह दूसरा हड़पा गया राज्य था संभलों से क्या हो जाता है संभल ये तीसरा हड़पा गया राज्य था बाघ से क्या हो जाता है बघाट तो यह चौथा था उधर से क्या हो जाता है उधर से उदयपुर ठीक है झाड़ी से क्या हो जाता है झांसी झाड़ी से झांसी ने से क्या हो जाता है नागपुर क्या हो जाता है नागपुर बस ये सीक्वेंस पूरा मेंटेन हो गया। है वीके का जी के अंदाज में लो भैया तनमय किस गवर्नर जनरल के काल में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पास हुआ था प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट कब पास हुआ था भैया हाँ भैया एस एस सी की क्लास रात में चलेगी फिलहाल नौ से बारह ठीक है क्रमशः हाँ नौ से नौ से चलेगी नौ बजे से अभी जी चलेगी दस बजे से इंग्लिश देखने को मिल सकती है और ग्यारह बजे से मैथ ठीक है चले फटाफट बताओ भैया तो भैया देखिए एकदम बढ़िया क्वेश्चन है कर्जन अब आइए कुछ जरूरी बातें बताते हैं दोस्तों एक चीज देखिएगा एक मैं बताता हूं आपको 1902, और एक मैं आपको बताता हूं 1904 देखना कितना शानदार अंदाज है याद करने का देखो आप कहते हो ना कि गुरु जी आपको कैसे याद रहता है तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना हमको तो आप समझ जाएंगे कि हमको कैसे याद रहता है देखिए एक चीज पहले देखिए एक है आपका मित्र मेला क्या आपने कभी पढ़ा मित्र मेला नाम की एक संस्था स्थापित हुई उन्नीस में ठीक है भैया यही मित्र मेला नाम की संस्था यही जो मित्र मेला नाम की संस्था है यही 1904 में किस में कन्वर्ट हो गई अभिनव भारत में कन्वर्ट हो गई किस में कन्वर्ट हो गई अभिनव भारत में कन्वर्ट हो गई समझ पा रहे हैं और इसके संस्थापक कौन थे वीर सावरकर थे अभी सुनना क्लाइमेक्स है ना रुको जरा क्लाइमेक्स अभी बाकी है क्या कि भैया आप देखें 1902 में एक बना भारतीय विश्वविद्यालय आयोग क्या बना भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना थॉमस रैले की अध्यक्षता में और इसी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर आया भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बात समझ पा रहे हैं कुछ बात यह है कि 1902 में बना भारतीय विश्वविद्यालय आयोग और इसी की सलाह पर क्या आया इसी की सलाह पर आया भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम तो याद करने का जुगाड़ समझ में आया ठीक है और इसके अध्यक्ष कौन थे तो इसके अध्यक्ष थे टॉमस रैले कौन थे भैया अध्यक्ष टॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे ठीक अच्छा और सुनो अभी काम खत्म नहीं हुआ है। और यह सुनना है कि 1904 में 1904 में और क्या हुआ 1904 में देखेंगे आप तो भैया इंटर यहां पर स्थापना हुई है फीफा की किसकी स्थापना हुई फीफा की जिसकी जिसका हेड ऑफिस कह पर है जूरिक स्विट्जरलैंड में है ठीक है भैया ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में उन्नीस सौ में ही और क्या आया प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट आया क्या आया प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट आया ठीक है 1904 में ही प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट आया ये भी हुआ और इसके बाद 1904 में ही 1904 में ही आधुनिक स्वरूप में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई समझ पा रहे हैं तो जब आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो मजा आ जाएगा ठीक है भैया हाँ अच्छा भैया ठीक है ठीक है। तो शानदार है जबरदस्त है धमाकेदार है मजा आया पढ़कर अरे भैया तन चले जाओ कचहरी या तो फिर पता कर लो किसी साइबर कैफे से वहाँ से ऑनलाइन जाकर सही करा लो छोटू से काम है इतना परेशान हो रहे हो हैं नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कर लो कि आधार कार्ड में मेरे ये समस्या है कैसे सही करें सब मिल जाएगी जानकारी ऑनलाइन की दुनिया में कहा तो मज़ा आया चलो फिर टोको लाई किसी बात पे पिंडारियों को सुनहरा झंडा किसने प्रदान किया था ये पिंडारी कौन थे भैया हाँ दोनों मधुबन चला जाता है अरे बाप रे प्रवीण बाबू कह रहे हैं आपकी क्लास लेने के बाद दिमाग और दिल दोनों मधुबन चला जाता है काय हो <laughs> प्रिंट कैसे निकलेगा काय प्रिंट निकालोगे भाई क्या प्रिंट निकालोगे हाँ दे चलो तो पिंडारियों को सुनहरा झंझा किसने प्रदान किया था मल्हार राव होलकर ने अरे क्या बात है भैया अभी एकदम सही जवाब दिया है भाई और यार शानदार दोस्तों पिंडारी कौन थे तो पिंडारी जो है एक प्रकार से कहते हैं कि महाराष्ट्र के वो लुटेरे थे जिनको जो है मराठियों का समर्थन प्राप्त था ठीक है लेकिन अंग्रेज तो सबको लुटेरा ही कहते थे बुड़बक एने पिंडारियों का दमन किसके काल में हुआ था तो पिंडारियों का दमन किसके समय में हुआ था दोस्तों तो पिंडारियों का दमन हुआ था हेस्टिंग्स के समय में अच्छा एक बात आप देख रहे हैं दोस्तों एक होता है लॉर्ड हेस्टिंग्स एक होता है हेस्टिंग्स और कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो जब भी पढ़ाई करिएगा दोनों के बीच डिफरेंस को जरूर याद रखिएगा ठीक है जैसे वॉरन हेस्टिंग जैसे याद करिए कि पहला एंग्लो मराठा वॉर पहला एंग्लो मराठा वॉर वॉरन हेस्टिंग के समय में हुआ था लेकिन तीसरा एंग्लो मराठा वॉर लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था समझ पा रहे भैया हाथ अरे भैया अभी छोटा छोटा छोटी छोटी नौकरी लेनी है क्या पैसा बड़ा चाहिए और वीडियो छोटा चलिए पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय बिछाई गई तो आसान क्वेश्चन है अच्छा लेकिन आप कुछ नई जानकारियां ले लीजिए जैसे 16 अप्रैल अठारह को पहली रेलगाड़ी चलाई गई डलहौजी के समय में यह सबको पता है लेकिन एक बात बताओ अगर आपसे कहा जाए रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके समय में हुई तब रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके समय में हुई है कौन बताएगा रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके समय में हुई और दूसरी चीज सर्वाधिक रेल लाइनें किसके समय में बिछाई गई सर्वाधिक रेलवे लाइन किसके समय में बिछाई गई किसके समय में बिछाई गई कौन बताएगा किसके समय में बिछाई गई फटाफट बताओ जरा बताओ बताओ आहा 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 बिल्कुल सही बिल्कुल सही तो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी और करजन के समय में ही ये दोनों काम हुआ ठीक है तो याद रखेंगे रेलवे बोर्ड की स्थापना और सर्वाधिक रेल लाइनें किसके समय में बिछाई गई ठीक है भैया हाँ कर्जन के समय में कर्जा ज्यादा हो गया था <laughs> चलो तो भैया अब देखिए आपको मिलान करना है और आपको बताना है देखिए तो आसान है जैसे बंगाल विभाजन कब हुआ था 1905 में हुआ था ठीक है स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन संबंधी जो मैग्ना कार्टा है अठारह में आया था सती प्रथा का उन्मूलन ये दोस्तों हुआ था अठारह में और व्यपगत का सिद्धांत यह तो भैया चलता रहा डलहौजी के समय में किसके समय में डलहौजी के समय में है कि नहीं भैया और एकदम आसान क्वेश्चन है बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है तो तीन चार एक दो। तीन चार एक दो। क्या होगा तीन चार, आ, तीन चार, अच्छा तीन चार दो एक ठीक है पहला ही आंसर है क्या है पहला ही आंसर है ठीक चलो वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू किया था हाँ भाई वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषा शुरू किया था हाँ भाई तो एकदम बढ़िया सवाल है राइट आंसर क्या है विलियम बेंटिक मुझे पता है ऐसे सवाल जो है सबके पल्ले पड़ते नहीं है लेकिन याद तो करना पड़ेगा भैया राहुल भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया तो रिपन ने इसीलिए तो रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं लेकिन यह भी याद रखिएगा कि पंचायतों का शिल्पी किसे कहते हैं तो पंचायतों का शिल्पी किसे कहते हैं पंचायतों का शिल्पी किसे कहते हैं बलवंत राय मेहता को कहते हैं समझ गए चलो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो भैया देखो ऐसा है जहां तक भारतीय गवर्नर जनरल का सवाल है तो चाहे पहले कहो और चाहे अंतिम कहो केवल एक ही भारतीय गवर्नर जनरल हुए है कि नहीं भाई सुब्बु आदित्य रजनीश आदर्श युक्ति सुनील एकदम शानदार सी राजगोपालचारी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वाय सारा पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार सजाइए अब आपको लगता होगा बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है एक बार बताओ खतरनाक क्वेश्चन कैसे हुआ कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था क्या ये आप सभी को नहीं पता है क्या चेम्सफोर्ड है ना चेम्सफोर्ड सुधार आपको नहीं पता कि 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आया था पता है ना क्या हार्डिंग के समय की घटना नहीं याद है याद करो हार्डिंग बम कांड कब हुआ था पढ़ना तो पड़ता है ना हार्डिंग बम कांड नहीं तो कम से कम यह तो पढ़ना ही पड़ता है कि दिल्ली दरबार किसके समय में हुआ था तो इसी के समय में तो दिल्ली दरबार हुआ था दिल्ली दरबार कब हुआ था 1911 में हुआ था कि नहीं हुआ था 1911 में ठीक है और इरविन के समय में गांधी इरविन समझौता याद कर लो है ना गांधी इरविन पैक्ट याद कर लो तब भी ठीक रहेगा क्योंकि आपको याद तो करना ही होता है कि गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है यह पांच मार्च उन्नीस को हुआ था ठीक है तो जब इनके बारे में कोई ना कोई घटना याद रहेगी तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और जब याद ही नहीं रहेगा तो आपको लगेगा कि यार इट इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड देखो जो चीज नहीं आती है वो हमको टफ लगती है <laughs> जो चीज आती है तो कोई दिक्कत है ना है? समझ गए तो अब बताओ सही काल क्रम अनुसार तो भैया इसमें सबसे पहले किसको ले आओगे ले आओ कर्जन को पहले कर्जन हो गए फिर हार्डिंग हो गए तो एक तीन और फिर कहा दुई चार एक तीन दुई चार माता रानी की जय जयकार तो जय जय शंभू हर हर महादेव देखो यह देखो एक और सवाल है कि नहीं हाँ हाँ देखा आंसर आने लगे सबके हाँ तो बताइए कौन सुमेलित नहीं है तो भैया कार्नवालिस को तो अस्थाई बंदोबस्त के लिए जाना ही जाता है ठीक है तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, हुआ यह थोड़ा कंफ्यूजन का विषय है लेकिन हेस्टिंग के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तो हुआ था ना याद करो उन्होंने बताया था कि भाई लॉर्ड हेस्टिंग के समय में तीसरा वाला हुआ था ठीक है और वारन हेस्टिंग के समय में पहला वाला तो सर जॉन सोर हालांकि ये तो मुझे याद ही है हाँ ना मैं ऐसे ही कह रहा था था 1814 में ये युद्ध शुरू हुआ था, और 16 में खत्म हो गया था 1814 से 16 और फिर 1816 में अरे ये जो आंग्ल नेपाल युद्ध है इसी आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद से तो कालापानी विवाद शुरू हुआ था ठीक है और आज तक वो कालापानी विवाद चल रहा है ठीक है भैया हाँ बिल्कुल भाई सुबू अरे वाह सुब्बू को भी याद है <laughs> गजाब शानदार चलिए तो आगे बढ़ा जाए तो सवाल का आंसर बिल्कुल मिलेगा बिल्कुल मिलेगा निम्नलिखित में से कौन नहीं है भाई सराजुद्दौला हेक्टर मुनरो बताइए तो क्या सराजु दौला के समय में प्लासी का युद्ध नहीं हुआ सत्रह में ठीक है और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी क्या हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध को लीड नहीं किया था सत्रह में क्या वेले जली के समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं हुआ था सत्रह में क्या कार्नवालिस के समय में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था नहीं दूसरा वाला नहीं हुआ था दूसरा वाला तो वॉरन हेस्टिंग के समय में हुआ था क्यों क्योंकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में स्टार्ट हुआ था और चौरासी तक चला था जबकि कारण वाली इसके समय में तो तीसरा वाला हुआ था तीसरा वाला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो कि सत्रह से बानवे में चला था समझ पा रहे हैं देखो बड़ी सिंपल सी बात है मैं तो हर बार एक ही बात कहता हूं कि हम जैसे इंसान को जब याद हो सकता है तो आपको कहीं नहीं याद हो सकता है आपको भी याद हो सकता है भाई है कि नहीं भाई विकास बाबू हाँ शानदार बयारती। चलो निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित तो नहीं है सुमेलित है बताइए भाई हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेकंड में हैदर अली हाँ मरता है बिल्कुल भाई विकास तो एलिन बरो के समय में अवध का विलीनीकरण हुआ क्या नहीं हुआ क्यों क्योंकि अठारह में अवध का विलीनीकरण हुआ था और इस समय कौन था तो इस समय तो डलहौजी था कौन था डलहौजी था था कि नहीं था इसी प्रकार से सिंध का जो हुआ 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 वो वो कब 1844 में ठीक ठीक है और इस समय कौन था? तो एलिन बरो था, कौन था एलिन बरो था 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 तो बरो बरो गवर्नर जनरल है आंग्ल मैसूर युद्ध बेलेजली के समय में हुआ था एकदम सही बात है तो यही एकदम सही लिखा हुआ है कि नहीं और मैं देख रहा हूं सबके आंसर सही आ रहे हैं तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था एकदम भाई युक्ति प्रीति प्रेम हृदय विकास आहा शानदार आदित्य अरुण एकदम भैया चलो नहीं लुके तो ऐसे कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है तो इसमें से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है फटाफट अरे यार 200 सौ लाइव का आंकड़ा नहीं पहुंचाए रहे हो मतलब घोर बेच है यार गजब बेच है मतलब क्या बताए मतलब चलो नहीं? वो देखो जितने लोग देख रहे हो उतने लोग लाइक भी नहीं करते सब लोग बड़े कंजूस है यार देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है भैया so, रिंग ऑफ फेंस की नीति किसने स्टार्ट करी थी वॉर हेस्टिंग क्या आप जानते हैं इसको घेरे की नीति भी कहते हैं और घेरे की नीति का मतलब क्या होता है तो दोस्तों घेरे की नीति का मतलब होता है क्या घेरे की नीति का मतलब होता है कि बफर स्टेट की स्थापना ठगी प्रथा का दमन विलियम बेंटिक के समय में हुआ था ठीक है तो यह भी एकदम ठीक है ठीक है ठगी प्रथा का अंत कब हुआ 1830 में ठीक है प्रेस एक्ट कर अरे वाह सभी का देखिए तभी तो मैं कहूं कि किसके सभी का आंसर एकदम तो सही क्यों आ रहा है तो रिपन के समय में हुआ था ठीक है और कल इसके बारे में आपको पढ़ाया था जब माउंट बेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने तो उस समय निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने बताइए भैया हाँ पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन बताएगा ओ भाई गई भैंस पानी में भैंस गई पानी में भाई फिर से गान चलेगा आई ओहो ओहो बहुत गलत बात है गवर्नर जनरल पूछ रहा है माउंट बेटा ये मोहम्मद अली जिन्ना आंसर होगा ये कौन है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो याद रखेंगे ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन है ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं समझ है चलो तो भैया निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो

मोनू चलो <laughs> भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी अब भाई पहली जनगणना की बात करें तो दोस्तों पहली जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया में पहली जनगणना कहां पर हुई तो पूरी दुनिया में पहली जनगणना स्वीडन में हुई थी सत्रह में ठीक है अगर आपसे कहा जाए कि पहली दस की जनगणना कहां हुई तो पहली दस की जनगणना कहां हुई थी दोस्तों अमेरिका में पहली दस की जनगणना हुई थी भारत में पहली जनगणना कब हुई थी तो भारत में पहली जनगणना आप जानते हैं बहत्तर में हुई थी मेयो के समय में लेकिन पहली नियमित जनगणना कब हुई थी तो पहली नियमित जनगणना अच्छा यहां से इसमें पहली पूछा है ना तो देखो यही है अगर कह रहा है पहली जनगणना कब हुई तो मेयो के कार्यकाल में हुई लेकिन अगर कहता कि पहली नियमित बताओ तो फर्स्ट रेगुलर सेंसस पूछ लेता तब आपका आंसर क्या हो जाता तब आपका आंसर हो जाता रेपन समझ पा रहे हैं तो ये चीजें थोड़ा सा समझ कर चलनी पड़ेगी ठीक है भैया हाँ <laughs> वा 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 वा। क्या बात है क्या बात है तो एकदम समझ के चलेंगे हाँ जितेंद्र आरती राहुल प्रिया बताइए भाई सभी का सभी का आंसर आना चाहिए भाई जितेंद्र हाँ 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 अठारह सो बहत्तर में बीच में क्यों कहा आ गया हाँ भाई सतीश भारत के अंतिम वायसराय कौन थे <laughs> माउंट बेटन कौन थे उंट बेटन आसान क्वेश्चन है तो हम आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से पहले ही समझा चुके हैं निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग मुकदमा चला था तो भैया महाभियोग का मुकदमा चला था किस पर पता है वॉरन हेस्टिंग पर किसने लगाया था बर्क ने लगाया था ठीक है बर्क ने लगाया था तो यह मुकदमा जो है आरोपित किया था बर्क ने हालांकि बाद में इसको बाईजत बरी कर दिया गया था ठीक है निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था तो भैया हेस्टिंग पर चलाया गया था रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था चलो भैया ओहो गजब का क्वेश्चन है, या। है यार गजब का क्वेश्चन है भाई। मजा आ गया। बताओ, बताओ। बताओ सभी, लोग। सभी का आंसर आना चाहिए शानदार तरीके से भाई एकदम जबरदस्त तरीके से चलिए फटाफट बताइए फटाफट बताइए कौन बताएगा आंसर नहीं सही आ रहा विलियम बेंटिक ने वॉर हेस्टिंग अच्छा बैंटिक ने सिविल सेवा का मतलब सिविल सेवा का जनक था इसलिए कह रहे हो क्या? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये था। जैसे कि ये सवाल है तो भैया राजा राम मोहन राय भी बहुभाषाविद थे ठीक है राजा राम मोहन राय भी बहुभाषाविद थे किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार में हुई थी हा हा तो अंडमान निकोबार में किसकी हत्या हुई थी दोस्तों मेयो की हुई थी ये दरअसल में मेयो जो है अंडमान निकोबार क्या करने गया था पता है अंडमान निकोबार में ही तो काला पानी था काला पानी अंडमान निकोबार में ही तो था जहां पर कैदियों को भेजा जाता था जिसको आज के समय में सेलुलर जेल कहते हैं और इस सेलुलर जेल में ही वीर सावरकर को रखा गया था जिसकी वजह से अंडमान निकोबार के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम है वीर सावरकर एयरपोर्ट है ठीक है भैया तो इस वजह से तो मेयो गए थे क्या <laughs> गए थे देखने कि काला पानी में हालचाल ठीक है निपटाए दिए पूरा है ना भैया कब तक चलेगा तो भैया हिस्ट्री का क्लास चलेगा ज्यादा से ज्यादा एक दिन और चलेगा उसके ज्यादा नहीं चलेगा ठीक है तो कल तक और चलेगा ठीक है उसके बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वैसे एक बात बताओ क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि गुरुजी मिक्स क्वेश्चन करा दो काहे टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हो ऐसा तो नहीं है मिक्स क्वेश्चन करा देगा नहीं ना वैसे यही सही रहता है कि सीक्वेंस से आप पढ़कर अपना कोर्स कंप्लीट करें निम्नलिखित में से किस वायसराय की कि तुलना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा औरंगजेब से की गई तो जाहिर से बात है कि कौरजन की की गई होगी ना किसकी कौरजन की की गई होगी है ना बिल्कुल सही कहा और करजन सबसे अलोकप्रिय वायसराय है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उतरा सेना नायक कहा जाता है भाई हा भाई सत्यम हाँ हाँ सत्यम कुमार सोनू हाँ पहली बार ऑनलाइन क्लास ले रहे हो इसके पहले कहा थे चले भैया तो कौन तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों तो स्वर्ग से उतरा सेना नायक किसे कहा जाता है क्लाइव को रॉबर्ट क्लाइव को क्या आप जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है तो याद रखिएगा ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कभी भी पूछेगा तो यही आप बताएंगे जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पुर्तगाली शक्ति का भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक किसे माना जाता है तो भैया पुर्तगाली शक्ति का अगर संस्थापक पूछ लेता है तो याद रखिएगा पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन अल्बुकर्क समझ रहे हैं हाँ और डुपले कौन है डुपले जो है फ्रेंच शक्ति का या फ्रांसीसी शक्ति का फ्रेंच पावर का संस्थापक फ्रेंच पावर का संस्थापक समझ रहे हैं तो सबका अपना अलग अलग है तो ये याद करने का प्रयास करना है चलिए हाँ भाई हाँ भाई अंकिता जी क्या बता रही हैं हाँ बताइए ना मैथ का क्लास कब से कब तक चल रहा है बताए नहीं है मैथ का क्लास सवेरे चलता है नौ बजे कितने बजे सवेरे चलता है नौ बजे और रात में चलता है ग्यारह बजे कितने बजे ग्यारह बजे ठीक है <laughs> देखे किसने रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया था भैया <laughs> तो भैया रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी किसने घोषित किया कैसे पता चलेगा कैसे पता चलेगा कैसे चली कैसे चली इसका पता कैसे चली बताओ भाई <laughs> कैसे पता चलेगा तो देखो हम आपको एक बताए बात सीक्रेट वाली का, का आप जानते हैं कि दिल्ली दरबार एक नहीं दू नहीं तीन हुआ है कितने लोगों को पता था कि दिल्ली दरबार एक नहीं तीन गो हुआ है कितने लोगों को पता था जरा कमेंट करिए तो दिल्ली दरबार पहला हुआ था अठारह सतहत्तर में दूसर का हुआ था उन्नीस सौ तीन मा और तीसरा का हुआ उन्नीस सौ ग्यारह मा समझ रहे हो हाँ हाँ और उन्नीस अट्ठारह सतहत्तर में जब हुआ था तो महारानी विक्टोरिया आई थी भारत ठीक है ठीक है नून रोटी खाएंगे ज्ञान पूरा लेके जाएंगे है ना 1903 में कौन आया था तो ब्रिटेन के सम्राट विलियम सिक्स विलियम सिक्स विलियम छे ना, विलियम ठीक है 1911 में कौन आया था जॉर्ज पंचम कौन आया था बबुआ जॉर्ज पंचम अब सुनो पूरी बात जब पहला वाला दिल्ली दरबार हुआ तो उस समय वायसराय तो कौन था लिट्टन लोट पोट गया 1903 में था कर्जन पूरा कर्जा ले लिया ठीक है और तीसरे के समय कौन था हार्डिंग द्वितीय पूरी बात याद रखना ये हार्डिंग द्वितीय है नहीं तो हार्डिंग प्रथम भी है समझ रहे हैं हां तो याद ये बात रखनी है कि भैया कि मामला ये है कुल मिलाकर मिलाकर मामला यह है कि जब रानी विक्टोरिया को घोषित किया गया तो कौन थे लिटन थे अच्छा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित करने के साथ साथ इनको एक उपाधि भी दी गई थी उपाधि सुनिएगा मजा ना आ जाएगा कैसरे हिंद की उपाधि कौन सी उपाधि कैसरे हिंद की उपाधि वह उपाधि ना है जो 1915 में गांधी जी को दी गई थी उपाधि है जो 1915 में गांधी जी को दी गई थी समझ रहे हैं समझ रहे हैं हाँ, चलिए आगे बढ़ा जाए तो क्या नई जानकारी मिली ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है गुरुजी बहुत ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं अतना खतरनाक हम नहीं पढ़ेंगे नहीं तो निपटे जाएंगे ऐसा किसी को लग रहा है का नहींना याद रखें आप बिहार एसएससी देने जा रहे हैं और इधर आगे एसएससी सीरियल जो भी भरेगा ये तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन मिलेगा और एकदम आपका सर जो है चक्कर खा जाएगा और चक्कर बाद में आएगा गिरेंगे आप पहले समझ गए एके फोर्टी सेवन लाए ला रहे हैं दो दो क्वेश्चन और निकल लो सबर नहीं होता रुको जरा चलो तो भैया दो क्वेश्चन और निपटा लो ये देखो कितना हाँ। है देखो अंदाजा से बताई रही क्वेश्चन है वाकई में दुई क्वेश्चन और बचा है गर्दा उड़ाए देंगे और रगड़ के देखो वन मैन बाउंड्री फोर्स आपको बताएं दोस्तों क्या हुआ था टू बी मतलब वेरी सीरियस देखो समझो वेरी वेरी सीरियस देखो क्या है मामला कि बात है वर्ष उन्नीस को जब देश हुआ आजाद है ना जब देश आजाद हुआ तो एगो पाकिस्तान बन गया ना पाकिस्तान दूसरा भारत बन गया तो अब जो है कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं और कुछ पाकिस्तान से यहाँ आए रहे हैं चलो वो तो चल रहा था गदर अब गदर टू आएगा ठीक है अब देखो क्या है कि जब देश आजाद हुआ तो जब बंटवारे की वजह से एक देश में दंगों का माहौल था भयंकर दंगा चल रहा था और उसी दौरान जो है बंगाल में एक जगह थी जिसका नाम था नाव और इस समय यहां पर इतना खतरनाक मतलब दंगा चल रहा था कतले आम चल रहा था भाई और गांधी जी गांधी जी यही यहां गए तो इस दंगे को रोकने के लिए गांधी जी यहां गए लोगों को समझाया बुझाया और दंगे को शांत कर दिया क्या कर दिया भैया दंगे को शांत कर दिया तो जब इतने खतरनाक दंगे को गांधी जी ने बड़े आराम से शांत कर दिया तो उस समय के वायसराय माउंट बेटन ने गांधी जी की बड़ाई वाहवाई कहते करते हुए कहा था कि जो काम हजारों हथियार बंद सिपाही नहीं कर सकते थे वो गांधी जी ने अकेले कर दिखाया फोर्स अकेले वो कर दिखाया जो हजारों हथियार बंद सिपाही भी नहीं कर सकते थे ठीक है भैया क्यों क्योंकि सिपाही जाते तो मार मार देते मैं रुक जाओ नहीं गोली मार देंगे गांधी जी समझाए कि रुको लड़ो नहीं कंट्रोल मजनू कंट्रोल है ना समझो निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वाइस राय ले भाई गई भाईस पानी में किसको किसको पता है किसको किसको पता है हा? हम क्या खाते हैं <laughs> क्या बताए मैं खा लेते सवेरे से दो पराठा खाया है केवल अब क्या खाते हैं वो पता नहीं लेकिन सवेरे दो पराठा खाया है दो पराठा खाया, खाया और दो खजूर खाया है अब आज पूछ रहे हो बता दिया आज पहली बार बताया है कि दो पराठा और दो खजूर इसका मतलब यह नहीं कि पराठा और खजूर मिला है। है हाँ। हाँ। अरे अंग्रेजी में डेट कहते हैं वो वाला डेट नहीं ठीक है चलिए हाँ भैया ज्ञान बिंदु ओ भाई <laughs> चलो भाई पंकज हाँ लिट्टी चोखा खाए हैं लिट्टी चोखा कौन खिलाएगा पता नहीं जमाना हो गया लिट्टी चोखा खाए कब खाएंगे कब आएंगे क्या ए के फोर्टी सेवन अब अगर दूसौ से अगर ये दो सौ से नीचे आंकड़ा गया ना समझ लो खैर नहीं चलो भैया फटाफट ये लाइक का आंकड़ा जल्दी बढ़ाओ आगे शुरू करा जाए दो घोट पानी अंदर फिर उसके बाद ए के फोर्टी सेवन के रूप में पूरा ज्ञान तड़तड़ तड़ बाहर हम्म mm. आ, एनर्जी आएगा वा बस ठीक है तो चलो फिर शुरू करते हैं कहानी आज एक फोर्टी सेवन में क्या है आज क्या है खास भैया छोला चावल खा के कान चलाए रहे हो कैसे चलेगा भारत में सबसे बड़ा सबसे छोटा सबसे लंबा आदि समझ रहे हैं आ? ओ भाई युक्ति <laughs> हिस्ट्री पढ़ते तो लगता है जेल में डाल दिया मजा आएगा बहुत मजा आएगा चलो फटाफट पहली गहरी सबसे गहरी नदी घाटी भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है भागीरथी और अलकनंदा की जो नदी घाटी है यह सबसे गहरी नदी घाटी है और यह दोनों नदियां जब देवप्रयाग में मिलती हैं तो यहीं से इसकी संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है क्या कहा जाता है गंगा कहा जाता है सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है जिसके निर्माण का श्रेय किसे जाता है राष्ट्रकूटों को जाता है यहां पर टोटल कितने हैं गुफाएं तो टोटल दोस्तों चौतीस केव्स हैं चौतीस गुफाएं हैं सबसे बड़ा किला कौन सा है लाल किला दिल्ली जिसका निर्माण करवाया था ने किसने करवाया था शाहजहां ने करवाया था सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन है जिसकी डिजाइन एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार की गई थी और यह राष्ट्रपति भवन किस पर भैया? रायसीना हिल्स के अवशेषों पर स्थित है रायसीना हिल्स के अवशेषों पर स्थित है ठीक है भाई जय हाँ छोटा सबसे छोटा नदी द्वीप की बात करें तो उमानंदा है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है और सबसे बड़ा नदी द्वीप भी मा जूली है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही आसम में स्थित है ठीक है भैया राधे मोहन आ जाएगा आ जाएगा आना भैया बिल्कुल आएगा पेड बैच भी आएगा एस एस सी का इसमें कोई दो राय नहीं है और जीके जी का इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच भी अलग से आएगा तो आप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है भारत का यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है मध्य अंडमान तो भैया भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है और दुनिया की बात करें वर्ल्ड की बात करें तो आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा दोस्तों ग्रीनलैंड क्या हो जाएगा ग्रीनलैंड हो जाएगा समझ पा रहे हैं ठीक है देखिए सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में स्थित है एक मीटर की और इसको किसने डिजाइन किया है राम वी सुतार किसने भैया राम वी सुतार तो याद रखिएगा राम वी सुतार कौन है डिजाइन करता है या आर्किटेक्चर कह लीजिए सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है सोनपुर मेला बिहार वाला जो है यह सबसे बड़ा पशु मेला है जैसे राजस्थान में अजमेर में पुष्कर मेला उत्तर प्रदेश में आगरा में कौन सा भाई कौन सा याद करिए कि क्या बोलते हैं उसको आगरा में बटेश्वर मेला ठीक है सबको मिलेगा बराबर बटेगा बड़ा गुरुद्वारा सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है स्वर्ण मंदिर और याद करिए स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी इसमें तीन चीजें हैं स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी सूफी संत मिया मीर ने ठीक है लेकिन अगर कहा जाए इसका निर्माण किसने कराया तो पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव ने पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव ने और इसको स्वर्ण का किसने करवा दिया था या बनवा दिया था तो महाराजा रणजीत सिंह ने किसने महाराजा रणजीत सिंह ने समझ पा रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह ठीक है तो इसको भी रखेंगे याद सबसे बड़ा गिरजाघर मतलब सबसे बड़ा चर्च सेंट कैथेड्रल गोवा कई बार पूछा जा चुका है ठीक है सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर में तमिलनाडु में ठीक है सबसे बड़ी मस्जिद भारत की जामा मस्जिद दिल्ली में और दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था शाहजहां के द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद निर्माण कराया गया था सबसे सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है गोल गुंबज बीजापुर जिसको यूसुफ आदिल शाह ने बनवाया था किसने यूसुफ आदिल शाह ने बनवाया था यूसुफ आदिल शाह है ना इसी का मकबरा भी है सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है दोस्तों ठीक है इसका निर्माण किसने करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था किसकी याद में करवाया था दोस्तों तो किसकी याद में कराया था इन तो द मेमोरी ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसका निर्माण कराया गया था सबसे बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर ठीक है भाई सॉरी हुगली नदी पर सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है आगरा के फतेहपुर सिकरी में किसने बनवाया था अकबर ने बनवाया था पंद्रह में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था ठीक है सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर है भारत की सबसे लंबी नहर है यूपी में सबसे लंबी नहर शारदा नहर हो जाएगी और याद रखेंगे कि सिंचाई के उद्देश्य से, से बनी सिंचाई के उद्देश्य से बनी दुनिया की सबसे लंबी नहर है बिल्कुल भैया विनीत बिल्कुल आ सकता है सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचीकुल कुल है कर्नाटक में ठीक है जो कि आप देखेंगे है ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अक्सर पूछा जाता है वराही नदी पर है कौन सी वराही नदी पर है ठीक है हालांकि सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे और ऑप्शन में कुछ कुल ना दिया हो तो आपको क्या बताना पड़ेगा जोग या गोपा बताना पड़ेगा सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र होता है ठीक है सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है यह ना भाई सहे वही चीज लिखा है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है दोस्तों जी हाँ हा ना कुल, कुल मिलाकर तेरह इंटरनेशनल पोर्ट है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर वाला ना होकर कौन सा है हुबली वाला है कौन सा है भैया हुबली वाला तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किसका हो गया है हुबली का हो गया ये अपडेट कर लेंगे सबसे लंबा रेल मार्ग कहां से कहां तक है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक कहां से डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई शुभ उन्नीस में उन्नीस में भारत रत्न भी शुरू हुआ पद्म पुरस्कार भी शुरू हुए ठीक है भैया ये सब भी ठीक है भाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई जो अब लंबी रेलवे सुरंग सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है पीर पंजाल सुरंग सबसे लंबी रेलवे सुरंग है इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर है लेकिन एक बात और बता दें कि एक जो प्रपोज्ड है जो बन रही है या यूं कह लीजिए अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसका नाम क्या है टी फोर्टी नाइन क्या नाम है फोर्टी नाइन बन रही है जो कि बारह दशमलव सात छ किलोमीटर की है और यह भी जम्मू कश्मीर में है ठीक है तो सबसे लंबी रेल सुरंग है हालांकि सबसे लंबी सड़क सुरंग प्रसाद नौ दशमलव एक पांच किलोमीटर की ठीक है भैया और ध्यान दीजिएगा कि ये जो सड़क श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है इसको और क्या कहते हैं इसको कहते हैं चेनानी नासरी क्या कहते हैं चेनानी नासरी सुरंग भी कह सकते हैं इसके अलावा इसी को दोस्तों पत्नी टॉप सुरंग भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं पत्नी टाप सुरंग भी कह सकते हैं पत्नी टॉप सुरंग ठीक है भैया हाँ देखिये सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारीका सेतु कहां पर मिलेगा यह आसाम को है ना अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है ठीक है है ना सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है ठीक है सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है थार राजस्थान लेकिन एक बात बताएं भारत का सबसे बड़ा है ना अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा है तो सहारा है जो कि अफ्रीका में पड़ता है लेकिन एक बात और कि थार रेगिस्तान दुनिया का सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल है सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल कहेंगे तब क्या होगा तो सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल क्या होता है यह होता है भाई आपका थार दोस्तों क्या होता है थार होता है ठीक है सबसे लंबी सड़क सुरंग जीटी रोड है जीटी रोड अगर आप देखेंगे तो नेशनल हाईवे 44 का कुछ हिस्सा प्लस नेशनल हाईवे 19 का हिस्सा इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है जीटी रोड कहा जाता है जीटी रोड और याद रखेंगे कि ये जो आपकी आ, आ, जी टी रोड है ठीक है ये कहां से कहां तक है तो ये दोस्तों अमृतसर से स्टार्ट होती है और कहां पर जाकर खत्म होती है कोलकाता में जाकर खत्म होती है ठीक है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो एन एच फोर्टी फोर है कौन सा है एन एच फोर्टी फोर है सबसे लंबा बांध कौन सा है हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है ठीक है कहां पर स्थित है उड़ीसा में स्थित है ना भाई हाँ हा, प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापनम नहीं नहीं राजेंद्र बाबू विशाखापट्टनम तब आंसर होगा जब कहेगा सबसे गहरा बंदरगाह तब विशाखापट्टनम होगा बाकी मुंबई बंदरगाह भी प्राकृतिक बंदरगाह है ठीक है ठीक हाँ। है चलिए बिल्कुल सबसे लंबा बांध टिहरी बांध देखिए क्या है सबसे यहाँ पर क्या है सबसे लंबा बांध हीरा बांध है यहां पर भी सबसे लंबा लिखा है नहीं सबसे लंबा नहीं होगा यह होगा दरअसल में हाई सबसे ऊंचा अगर आपसे कहा जाए सबसे ऊंचा बांध तब आपका टिहरी बांध होगा और यह सवाल अक्सर पूछा जाता है सबसे ऊंचा बांध होगा टिहरी बांध ठीक है भाई लंबी तटी रेखा प्रायद्वीपीय राज्यों में तो प्रायद्वीपीय राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा आंध्र प्रदेश की है लेकिन ओवरऑल सबसे लंबी तट रेखा किसकी है गुजरात की है अब देखिए यहां पर एक नया डायमेंशन आपको मिल गया है। कि नॉर्मली कहा जाए सबसे लंबी तट रेखा तो गुजरात की है लेकिन प्रायद्वीपीय राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है तो भैया ये आपका हाँ बिल्कुल भाई रंजय ठीक है 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 आंध्र प्रदेश की है। सबसे छोटी किसकी गोवा की है हमें सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है ठीक है अच्छा एक चीज यह भी है कि अगर देखा जाए तो ऐसे कितने राज्य हैं जिनके पास तटरेखा है या जो समुद्री सीमा से लगते हैं तो ऐसे नौ राज्य हैं ऐसे कितने राज्य है दोस्तों नौ no, राज्य हैं समझ रहे हैं ना ठीक है लंबी समुद्र तट रेखा अगर सॉरी सबसे लंबा समुद्र तट तो मरीन बीच जो चेन्नई का है ये सबसे लंबा क्या है समुद्र तट है ठीक है अगर कृत्रिम झील की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत सागर गोविंद वल्लभ पंत सागर किसके द्वारा निर्मित है यह भाखड़ा नागल डैम द्वारा निर्मित है तो भाखड़ा नागल जो डैम है भाखड़ा नागल डैम पर निर्मित है यह कृत्रिम झील आर्टिफिशियल लेक ठीक है तो ये यहां पर हिमाचल प्रदेश पंजाब के बॉर्डर पर भाखड़ा नागल डैम ठीक है बिल्कुल बजार चलिए हाँ भाई सुबह हाँ खाना खाके आ गए अच्छा बहुत बढ़िया ठीक आगे देखा जाए सबसे ऊंची झील चोलामू है कहां पर है सिक्किम में सबसे ऊंची झील खारे जल की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है चिल्का है ठीक है कौन सी चिल्का उड़ीसा ताजे या मीठे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है ठीक है भाई वुलर झील जम्मू कश्मीर में है ना और सबसे बड़ी झील ये तो ऐसे फालतू लिख दिया जब यहां लिखा है तो इसकी जरूरत नहीं थी सबसे ऊंचा झरना चौड़ाई में जोग या गरसोपा है लेकिन वैसे क्या है तो कूची कुल जल है सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है यमुना की तो भैया भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना की है और यमुना आप जानते हैं गंगा की नदी है, लेकिन यही चीज अगर दुनिया में पूछा जाता कि दुनिया में सबसे लंबी है? तो है।, कि कि है? है।, है? है ठीक है भैया तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है ठीक है तो आई होप की आपको याद रहेंगी भैया हाँ तो दोस्तों ये क्लास जो कि आपकी डेली एक बजे शुरू हो जाती है इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डेली करा रहे हैं तो आप इतमान से ध्यान से पढ़ें है हाँ ना और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें साथ में एक के फोर्टी सेवन बूस्टर तो आपके लिए आ ही रहा है तो भैया लाइक करना बनता है दोस्तों के बीच शेयर करना भी बनता है चूंकि मेहनत हो रही है तो हमारा हक है कि आ हमारा हक है और आपका कर्तव्य है क्या लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ठीक है भाई ये बनता है तो बिल्कुल जिन्होंने भी लाइक ना किया वो जरूर करेंगे उन दोस्तों के भी शेयर करेंगे ठीक है भाई हाँ भाई बिल्कुल भाई पांडव जयदेव शुभु मोनी विनीत आरती चलिए तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हाँ भाई अभी बिल्कुल भाई स्वामी खेमचंद ठीक है बिल्कुल बिल्कुल तो दोस्तों बाकी की क्लासेस का शेड्यूल आपको पता ही है कि भाई रेलवे से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं वो शाम को एनालिसिस में आएंगे छः बजे और एसएससी से रिलेटेड जो बच्चे हैं वो रात में आएंगे नौ बजे जीके जीएस के लिए बाकी की क्लासेस शेड्यूल आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि मैथ्स की क्लास सुबह नौ बजे और रात के ग्यारह बजे तो सुबह नौ बजे या रात के ग्यारह बजे वाली मैथ की क्लास अगर आप रेगुलर देखेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और फिर मैं कहूंगा कि आप सभी लोगों को एस का फॉर्म भी जरूर डालना चाहिए ठीक है किसी भी सब्जेक्ट से बिल्कुल मत डरिए राह आसान होती है बस ज़रूरत है तो कुछ ठान लेने की चले बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू